इस ट्रेन में यह मेरा कोई अपना भी हो सकता था। आप दोषी भले नमक से जाए, मंत्री भले इस्तीफा दे दे, सरकार भले ही गिर जाए, लेकिन क्या सैकड़ों लोगों की जान की कीमत क्या इस्तीफा देकर चुकाई जा सकती है? क्या सैकड़ों लोगों के घर का मुआवजा सरकार को गिराकर वसूला जा सकता है? हादसा एक त्रासदी है दोस्तों, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी हादसे पर होने वाली राजनीति है। किसी हादसे पर होने वाली राजनीति से बेहतर क्या ये नहीं होना चाहिए कि सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए, उनके उजड़े घरों को बसाए, उनके आंसू पोछे? राजनीतिक मत कीजिए, बस जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है ना, उनके साथ जाकर खड़े हो जाइए, उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके दुख को बांट लीजिए। क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी ये गारंटी नहीं दे सकती है कि अगर वो सत्ता में आई तो दुर्घटना नहीं होगी, कोई अपराध नहीं होगा। दे सकती है क्या कोई गारंटी? ये पब्लिक है ना, सब जानती है इस दुर्घटना के पीछे किसकी लापरवाही का हाथ है और दुख की इस घड़ी में कौन इनके साथ है। पब्लिक को राजनीति का मुद्दा मत समझिए और न मूर्ख समझिए, क्योंकि ये पब्लिक आपकी सरकार बनाती है और गिराती भी है। नो पॉलिटिक्स प्लीज।